गुड मॉर्निंग, मैं शमा अख्तर अहमद एंड वेलकम बैक टू माई चैनल जैका वैली में। और आज बहुत खास दिन है, स्पेशल है, कोई घर पे आ रहा है और फर्स्ट टाइम आ रहा है। इस फर्स्ट टाइम हमारी शादी के बाद से यानी 6.5 साल बाद कोई पहली बार घर में आ रहा है। कौन आ रहा है ये बाद में पता चलेगा। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और यहाँ पे किचन में मम्मी पहले से हैं और हम लोग जा रहे हैं फटाफट तैयारी करने। और मैं अभी जा रही हूँ मालपुआ का बैटर बना कर रखने ताकि वो थोड़ा सा फूल जाए। और बाकी यहाँ पे अभी काम चल रहा है किचन में, मम्मी क्या बना रही है भी। और यहाँ पे शीर खुरमा बनकर रेडी हो चुका है, शीर खुरमा बनकर रेडी हो चुका है। और यहाँ कढ़ाई में प्याज बन गया है, ये बना है कलेजी के लिए जो कि हम लोग खाएंगे। और बाहर ये मेरी सिस्टर निराई करेंगे गमले की अच्छी तरह से। और एक लोग ये छोटू से नवाब साहब हेल्प कर रहा है लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा क्या हेल्प करें, तो अभी मैं जा रही हूँ हेल्प कर रहे हैं कि वो दूसरे गमले में निराई कर रहे हैं। और किस चीज़ से कर रहे हैं मैं दिखा दूँ आपको, ये कपड़े वाली पिन से ये ऐसे पकड़ के ऐसे से निराई तो करते हैं। और इन्हें आज भूख प्यास होने के लिए कुछ भी नहीं लगी है, ये बहुत बिजी है, आज बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत बिजी है। पर हम हाय अरे हम ये कैमरा वीडियो बन रही है अरे हम भागेंगे, वीडियो बन रहा है सोना, आज मन नहीं है उनका हाई वाई करने के लिए। तो चलिए अभी मैं और अभी यहीं पे थोड़ा सा रुकती हूँ और फटाफट पहले मैं बैटर बना के रख दूँ, नहीं तो फिर सही नहीं बन पाएगी, उतना फ्लफी नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, बाकी आगे आपको बहुत सारी रेसिपीज देखने को मिलेगी, बिरयानी की रेसिपी मिलेगी और कोरमा की रेसिपी मिलेगी, दोस्त की रोटी की रेसिपी मिलेगी, कैसे बनाते हैं मालपुआ की तो आप लोग को पता ही है कैसे बनती है। तो ये दो रेसिपी बनेगी, तो इसलिए रेसिपी को देखने के लिए इस ब्लॉग को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाएगा वाली को, तो जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, पसंद आए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ठीक, तो अभी मैं फटाफट बैटर बना लेती हूँ। मैं मालपुआ का बैटर यहाँ पे घोल के रख दिया हूँ, ये 2 घंटा तक तो रहेगा, 2-3 घंटा। और यहाँ पे मैंने कोरमा के लिए जो मुझे ड्राई फ्रूट्स चाहिए थे दिखाया तो ऐसे देखिए, यहाँ पर 2 से 2.5 इंच का टुकड़ा मैंने गरी लिया था, सूखा गरी है ये, और इसे पतले पतले काट दिए, 12 काजू 12 बादाम और 15-20 से ज़्यादा, मतलब इतना सा अंदाज के साथ किशमिश है। और थोड़ा सा तरबूज की जो बीज है वो भी मैंने ले लिया है, मगज मैंने यहाँ दिलाया मगज, और ये इतना सारा है। अब मैं इसको गर्म पानी में भिगो दूँगी, भिगोने के बाद ये थोड़ा सा आधा घंटा छोड़ दूँगी, टाइम है, आधा घंटा छोड़िए, नहीं टाइम है तो आप जो है कि 10-15 मिनट छोड़ सकते हैं, और उसके बाद फिर मैं इसको ग्राइंड करूँगी, उसके बाद आगे की रेसिपी बनेगी। ओके, बहुत सारा काम हो चुका है और जो टाइम हो रहा है मैं बता दूँ, क्या टाइम हो रहा है तुम्हें बता दें, 9:50 लग रहा है कुछ ऐसे ही नहीं, मैं जस्ट हाँ मेरी मम्मी सही बता, मम्मी इधर देखिए, इधर उजाले में ये है मम्मी, मेरी स्वीटेस्ट मम्मा, अभी मैं रेडी हो जाएगी, नहा चुकी हूँ भैया, नहीं नहाई हूँ है ना। तो अभी मैंने बताया ना आज बहुत सारी चीजें बनने वाली हैं, तो जिसमें से दही वाला बनकर रेडी हो चुका है। इसकी रेसिपी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी क्योंकि पहले से अपलोडेड है, ढोकला बन चुका है जो कि ठंडा हो रहा है, उसको तड़का लगाना है, तो उसकी भी लिंक जो इस रेसिपी की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और क्या अब बोलिए, और अभी मालपुआ मुझे तलना है, मतलब फ्राई करना है, तो मैंने बोला कि थोड़ी देर बाद करना ताकि थोड़ा सा गर्म रहे। और अभी मैं जा रही हूँ कोरमा के लिए मैरिनेशन करने, तो जो चीज़ मैंने भिगाया था सारे ड्राई फ्रूट्स वो यहाँ पे मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और अब चलिए मैरिनेट करता है। ठीक है, इसमें भी होगा मैरिनेशन, इसको साइड में रख देते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। तो ये है चिकन जो मैंने अच्छी तरह से धो के साफ करके रख लिया, और यहाँ पे देखिए मैंने लेग पीस हो या बहुत जो सादी पीस होती है उसमें थोड़ा सा गहरे गहरे कट लगा देने, मसाले सारे अंदर तक चले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मेरी दही है, मेरा नहीं है वो फालतू में ऐसे सफाई के लिए। ठीक है, तो ये दही है एकदम गाढ़ी दही, और मैं ये कलछुल से ले रही हूँ आप समझ लो 2 बड़े चम्मच, और यहाँ पे मैं डाली हूँ 2 भर के 2 या 2.5 भर। ठीक है, ये 1.25 किलो है, और इसमें जाएगा 1/2 लेमन जूस, ये जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्या पता सो जाए। ठीक है, तो ये हो गया, और इसमें तो जाएगा नमक, नमक एक्सपर्ट टेस्ट आपको डालना, जितना आपको चिकन में नमक चाहिए ना वो पूरा नमक ही जाएगा इसमें, ये मैं डाल दी 1 चम्मच, थोड़ा सा ले लेते हैं, बाकी टेस्ट हो जाएगा कम ज़्यादा होगा तो चला जाएगा। अब जाएगा इसके अंदर हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून, और जाएगा धनिया 3 टेबल स्पून। ठीक है, और ये क्या है, ये तीखी वाली मिर्च है, तो तीखी वाली मिर्च में बहुत कम डालने वाली, क्योंकि कोई भी नहीं खाता तीखा, मेरे घर में भी कोई नहीं खाता, तो पूरे घर में भी नहीं खाता। ठीक है, तो ये मैं डाली हूँ 1/2 से कम, मतलब 1 से कम, 1/2 से हल्का सा ज़्यादा, ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आपके यहाँ पे तीखा खाते हो आप वैसा कर सकते, ये कश्मीरी में ये जाएगा ढंग से, ये जाएगा 2 टेबल स्पून भर के, कलर चाहिए उस चीज़ का मुझे जब तक रेड कलर अच्छे से ना दिखाई दे। ठीक है, और ये जाएगा गर्म मसाला 1 टेबल स्पून,
भर के, तो ये चला गया। अब जाएगा जीरा पाउडर, ये मैं डाल रही लगभग हाफ छोटी टेबल स्पून से, थोड़ा सा था, ये चला गया। अब जाएगा इसमें, जाएगा जो कैच का मैं डाली हूँ, मेरे पास कैच है, तो कैच का चाट मसाला, कोई भी ब्रांड का चाट मसाला यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा मीन्स हाफ टेबल स्पून बस, उसे हल्का सा। ये सारी चीजें इसके अंदर चली गई है। अब इसके अंदर जो जा रहा है, ये सारे ड्राई फ्रूट्स भी हम एक साथ में मैरिनेट करेंगे, लेकिन इसको हम वो बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, इसको हम रखेंगे साइड में, जब ग्रेवी के लिए थोड़ा सा जाएगा ना प्याज फ्राई होने के बाद सब। और इसमें से थोड़ा सा प्याज भी आपको ब्राउन करके साइड में निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब कोरमा बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगा, एज अ गार्निश आप उसे डाल सकते हैं, उससे टेस्ट काफी अच्छा आता है। मैंने इस तरह से डाल दिया है, उसको बंद कर दिया, जब डालेंगे ग्रेवी के लिए तब जाएगा। अब इसमें अच्छी तरह से हमको मिक्स करना है, और इसको मैंने धो लिया था, जब चिकन जब मैंने अच्छे से साफ करिए, छोटा पड़ा साफ कर लिया था, तो मैंने इसको ड्रेनर में रखा था, ताकि क्योंकि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं चाहिए, चिकन धोने के बाद भी आप देखेंगे टेढ़ा करके रखिएगा जैसा भी, तो लास्ट में पानी रहता है, नीचे पानी जमा हो जाता है, तो वो नहीं चाहिए हमें इसमें। और इतने अच्छे से आपको मैरिनेट करना, तो सारी पीसेस में अच्छे से मसाला मिक्स होकर लग जाए इस तरह। अभी इसमें केवड़ा भी जाएगा, मैरिनेशन में भी जाएगा, और आखिरी में भी जाएगा लास्ट में। और हाँ, शेर खुरमा भी बनके रेडी हो चुका है, उसको मम्मी ने बनाया है, शेर खुरमा, उसकी रेसिपी नहीं है, चलिए इंशाल्लाह फिर कभी उसकी रेसिपी मिल जाएगी आपको। और ये मैं डालूंगी एक बड़ा टेबल स्पून बस, ये हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसको ढकेंगे, ढक के फ्रिज में कम से कम आधे घंटे के लिए रख ही देना है। आपके पास और ज़्यादा टाइम है तो आप एक घंटा रख दें। हाँ ले आए हैं, अभी तो दुबे भी आके गया, दुबे भी आके गया, ये हो गया बढ़िया, ठीक है। ये मैरिनेशन हो चुका है, अब हम इसको इस तरह से ढक देंगे, और शक्ल दिखा दूँ, ये मैरिनेट हो चुका है कोरमे का चिकन, और ये अब जाएगा आधे घंटे के लिए फ्रिज में, उसके बाद हम आगे का इसका प्रोसेस करेंगे। तो अब कोरमा बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और उसके लिए मैंने यहाँ पे जो लिया, थोड़ा सा मावा लिया है, और यहाँ पे सौंफ का पाउडर भी हमें चाहिए, और यहाँ प्याज को भी ब्राउन करके वो भी चाहिए होगा हमें, ठीक है। अब ये यहाँ पे मैंने लिया है सरसों ऑयल 5 बड़े चम्मच। अब इसके अंदर जो जाएगा तड़के के लिए, तेल गर्म हो चुका है, इसके अंदर जाएगा तड़के में छोटी इलायची, छोटी इलायची और लौंग, मैंने लिया अपनी लौंग 1 इलायची, ये चला जाएगा इसके अंदर, और जाएगा दालचीनी का 1 टुकड़ा, ये गया इसके अंदर। और यहाँ पे मैंने प्याज चॉप करके रखे, बारीक चॉप मैंने किया हुआ यहाँ पे, ये यहाँ पे लगभग 1/2 किलो के आसपास प्याज होगा, ठीक है, ये गया। और अब हम प्याज इसमें डालेंगे, अरे हाँ प्याज सारा चला गया। अभी हमें इसमें तेज पत्ता भी डालना है, तो हम यहाँ पे 2 तेज पत्ता डाल देंगे, और ये गया इसके अंदर। अब हम प्याज से पत्ता भूनेंगे, देखो ये अच्छा सा ब्राउन ना हो जाए, तब तक हमको प्याज को ब्राउन करना है, ठीक है, फ्लेम फुल करके। देखो प्याज का कलर कितना हो गया है, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अदरक लहसुन पेस्ट जाएगा इसके अंदर 1 चम्मच, ठीक है, हल्का सा 1 मिनट के लिए इसको भून लेंगे, ताकि जो पत्ता बना हो अदरक का लहसुन का बना सकता है, उसे ज़्यादा नहीं करना है। अभी जो मैरिनेशन है वो चला जाएगा पूरा चिकन, सब लोग आ गए हैं, आवाज़ आ रही है पीछे से, खुश तो बहुत है, थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा सा नर्वस टाइम। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, चल रहा है कोई आदि आवाज़ आ रही, सब याद आएगा। और ये सौंफ का पाउडर, सौंफ का पाउडर लगभग जाएगा 1 टेबल स्पून, जिसके अंदर तारीफ हुई थी ना, वही बना रहा है, ये गया। अब सारा कुछ इसमें जा चुका है पहले से ही, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें मावा जाएगा, बट अभी नहीं जाएगा, इसको भी हम रोटी थोड़ा सा डालेंगे, लेकिन अभी नहीं जाएगा ये, पहले इसको चिकन को अच्छे से भून लेते हैं, ठीक है। और फ्लेम अभी इस टाइम में बिल्कुल धीमा है, लो फ्लेम है, इसी तरह भून लेते हैं, गर्मी बनता है भाई, लो फ्लेम पे ये भून रहा है, लगभग 5 मिनट के लिए भून रहा है, ठीक है।
स्लो फ्लेम पे भून रहा है माशाल्लाह से, बहुत लो फ्लेम पे भून रहा है माशाल्लाह से, बहुत ही ज्यादा लजीज दिख रहा है। और ये कितना लजीज है ये तो खाने के बाद सामने वाले बताएंगे। हाँ, और अब जब मैंने आपको बताया नहीं कौन आया है तो अभी वो सीक्रेट है, बाद में बताऊंगी। और जब खाना तब अच्छा समझ में आता है, अब हर इंसान अपने से अच्छा बनाता है ठीक है, लेकिन पता तब चलता है जब जो खा रहा है और जिसके लिए आपने बनाया है वो तारीफ करे, तो मतलब है कि हाँ आपने जो बनाया वो वाकई में बहुत अच्छा बनाया, लेकिन बना के तो सभी अच्छा है ना। तो अभी ये भून रहा है 5 मिनट तक के लिए भूनेगा, उसके बाद अगले हफ्ते अभी मैं जा रही हूँ, अब ये 5 मिनट के लिए भूनेगा और अब मैं जा रही हूँ उसके पास बैठने और वो अपना पीने ठीक है, फिर होते हैं माशाल्लाह। आप देख रहे हैं, आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अभी कहा यहाँ पे कब से कह रहा है, पता है ये जो यहाँ की रहती है यहाँ पे ऐसे एलईडी लगाने के लिए, तो इसमें अच्छे से रोशनी आएगी, तो जब ये ऐसे थोड़ा सा डल डल कलर दिखा तो रियल जो कलर है ना वो दिखता है, लेकिन देखिए कब मिलता है। अब होगा तो संडे का ही होगा। और ये हल्का हल्का सा तेल छूटने लगा, मैं सोच इसको फुल करके भून के कम्प्लीट कर ही हूँ, और इस स्टेज में जब तेल छोड़ने लगी उस स्टेज पर हमें ये जो मावा है ना वो डालना, ऐसे क्रम्बल करके डालना है ठीक है। मैं सच में बता रही हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, और वैसे फाइनल टेस्ट क्या होगा वापस काम करते हैं, कोशिश करूँगी कि एक बार सारा जिस सबका वीडियो मिले सकूँ ब्लॉग में, लेकिन ऐसे निकला कुछ नहीं है ना। तो ये हो रहा है, भून रहा है मीडियम लो फ्लेम में और बहुत ही सही फ्लेम है। अगर आप थोड़ा सा कुछ एक दो काम साइड में कर रहे हैं तो आप फ्लेम से ही रखें, और अगर आप प्रॉपर उसको देख रहे हैं तो आप फुल फ्लेम पे कर सकते हैं, क्योंकि जलना नहीं चाहिए, ये सारा बंद हो जाएगा, खराब हो जाएगा, चीज़ों से बैन हो रही है, ये क्या होता था मैम, मेरे को पूछ नहीं, ये भी चला जाएगा ना, तो वो टीचर नहीं छोटा तो ये छोड़ने लगा है ना, ये छूट जाएगा तो ये जाएगा इसके साथ, ये जाएगा मतलब, तो अलग से पानी डालने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है क्योंकि इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट रहेगा वैसे सब जाएंगे। ये इस तरह से भाई आज के टाइम कोई भी चीज़ खराब नहीं करनी चाहिए ना, तो लॉकडाउन रोज लग जाता है और फिर बंद हो जाता है, इसलिए ये हो गया है, ये हो गया, अब इसके अंदर जाएगा ये सब ठीक है, ये गया ये भी गया, बहुत ज़्यादा अच्छा। देखिए कोरमा में आपको सालन नहीं लगाना है ठीक है, कोई भी सालन नहीं लगाना होता, कोरमा मतलब हल्का सा कि इतना बस आप नान रोटी खा सको, बस उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा ना फिर वो जो उसकी वैल्यू है ना जो उसका नान है वो खराब हो जाएगा, फिर तो आपको वो ग्रेवी वाला बनेगा कोरमा खाएगा। ये देखिए इतना मुझे इतना ठीक ग्रेवी में दिखा दूँ आपको, ये रेडी होने पर चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे पानी और डालूंगी, फ्लेम बिल्कुल हाई ठीक है, ये यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा लेजीज दिख रहा है, मेरे चीज़ें थोड़ा सा मन में है क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे हाथ का खाएंगे तो थोड़ा सा होता है ना कि हाँ कैसा लगेगा, अब ऐसे वैसे लोग रहे तो चलो ठीक है ना, लेकिन जब खास रहता है ना तो मुझे थोड़ा सा चिंता रहता है कि हाँ अच्छा लगना चाहिए, आपको चीज़ मन से भी बनाएंगे किसी के तो इंशाल्लाह अच्छा बन जाता है ना। तो वही यहाँ पे चल रहा है, इसमें हल्का उबाल आना शुरू हो रहा है, मैं इसका वेट कर रही हूँ कि जल्दी उबाल आ जाए, और फिर मैं यहाँ से रखूँ चक्कर दूँ किचन से। और ये जो है ना प्याज ब्राउन दिख रहा नहीं दिख रहा, चलिए बाद में देखिएगा, और अभी इसमें बॉयल आना शुरू हो रहा है, मैं एक बार चेक कर लूँ कि इसकी कितनी गला कितना है, ये भी चिकन भी गला नहीं निकला तो अच्छा होगा, और जो चिकन की चाहिए वो प्रॉपर आएगी। तो मैं इसको फ्लेम फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है और उसको पकने के लिए छोड़ दिया है, कम से कम 10 से 15 मिनट तक ये कुक होगा, और मैं जा रही हूँ अभी ठीक है, अभी फिर मिलते हैं, कोशिश करूंगी कि एक बार पहले मैं पूछ लूँ क्या जो कि कैमरे में आने के लिए उसके बाद में दिखा सकती हूँ, लेकिन बता तो मैं सकती हूँ लेकिन अभी नहीं बताऊँ ठीक है। बट ये देखिए काफ़ी अच्छे से कुक हो रहा है और चिकन बिल्कुल गल चुका है, और ये थोड़ा सा पतला बन रहा है क्योंकि मैं थोड़ा तेज कर दूँ इसको बना रही हूँ, वैसे ये जब ठंडा होगा थोड़ा सा ठीक होगा ही, और इसमें ठीक है। और ये जो मैंने लिया हुआ था मैं दिखा दूँगा आपको प्याज, इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे लेकिन उसको डालना कैसे हाथ लेकर ऐसे पूरा करके डालना ठीक है, ये यहाँ पे दिया, और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हाँ बोल तो एक फाइव ओके ठीक है, ये लिया, अब इसके टाइम पे जाएगा केवड़ा जल, ये मैं डालूंगी एक बार चम्मच, और भी खिलाना ढक्कन से डाल दूँगी एक ढक्कन भर के जाएगा, और इसमें इलायची पाउडर भी जाएगा लेकिन अभी वो आँख के मिलाएगा, इसको अच्छे से मिक्स कर दें अच्छे से थोड़ा पीछे मिल जाए, और यहाँ पे अगर केसर है तो आप दूध में केसर को भिगो के वो भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत गजब का टेस्ट आता है। अभी थोड़ा बना रही हूँ इलायची का पाउडर ये चॉकलेट पे ठीक है,
तो यहाँ पे छोटे का सारा कुछ फिंगर टू फाइनल टच देना है हमें इलायची पाउडर, यहाँ पर मैं डाल दूँगी छोटी सी चम्मच इलायची पाउडर यहाँ, और हम इसे एक बार स्टर कर देंगे जिसकी खुशबू तो स्टर करके आ रही है। बस डन 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 हो गया जी, देखिए प्लेयर कर देंगे बंद और ये फाइनल बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं रख दूँगी और अभी थोड़ा रुक के फिर मैं बिरयानी शुरू करूँगी, फिर उसका भी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं, ठीक है। हाँ तो अब मैं यहाँ पे बिरयानी के लिए मैरिनेशन करने जा रही हूँ। थोड़ा कैमरा बहुत ज़्यादा वाइट वो है ना कलर दिख रहा है, मतलब कि देखिए कैमरा दूसरा है, ओके ठीक है। ठीक है यहाँ मैंने दो बड़े चम्मच तीन मतलब दो से तीन बड़े चम्मच मैंने एकदम सूखी दही ले लिया है, और इसके साथ मेरा कोरमा का प्याज डाल रहा है, और यहाँ पर मैं पूरा का मतलब चिकन के बराबर का ही आप एक्सपर्ट टेस्ट इसमें नमक डाल, मैं यहाँ पे एक चम्मच नमक डाल देता हूँ, और यहाँ पर जाएगा थोड़ा सा हल्दी मतलब छोटी टेबल स्पून, और जाएगा धनिया ये ढाई मतलब तीन के बराबर ही हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जाएगा एक टेबल स्पून गर्म मसाला पाउडर, और जाएगा थोड़ा सा तीखी मिर्च, तीखी वाली मिर्ची यानी कि हाफ टेबल स्पून है ना, तीखा नहीं होना चाहिए तो पता चला खाने बैठो दोनों ना खाना खा के उठना पड़ेगा। और कश्मीरी मिर्च जाएगी, लेकिन बिरयानी में कलर ज़्यादा वैसे लाना नहीं है, तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ दो चम्मच, ठीक है। ये गया इसमें स्पाइसेस, और इसमें जाएगा थोड़ा सा सौंफ का पाउडर, मैंने अभी रोस्ट करके बनाया है तो ये लगभग एक छोटी टेबल स्पून के आसपास चला जाएगा सौंफ का पाउडर, और जाएगा जीरा पाउडर थोड़ा सा, ये आप स्किप भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, और ये चला गया। और अब इसमें जाएगा कसूरी मेथी, यस बहुत ज़्यादा है, और ये जाएगा कसूरी मेथी, कसूरी मेथी अगर रोस्ट करके डालें तो अच्छी बात, अगर रोस्ट डालें तो भी हाथ पे लेके ना इस तरह से रब करके फिर आप इसमें डालें, ठीक है। ये चला गया इसके अंदर, और इसमें जाएगा हाफ टेबल हाफ लेमन जूस, ये मैंने हाफ लेमन लिया है, और इसका जूस जाएगा हाथों की हेल्प से मैं डाल दूंगी इसमें, और जो आने वाले थे वो आ गए, अभी आ रहे थे, ठीक है। और ये हो गया, और साथ साथ में अगर आप साथ में और भी साथ में प्याज बना रहे थे तो ये मेरा प्याज भी लाल हो रहा है थोड़ा सा, और यहाँ पे सारे मसाले मैंने डाल दिए। अब हम इसको अच्छी तरह से हाथों की हेल्प से इस तरह से करते हुए पूरा मैश करके मिक्स कर लेंगे, पूरा मैरिनेट कर लेंगे, और ये लगभग जाएगा फ्रिज की मैरिनेट करने के बाद ढककर मैं रखूंगी वापस उसी की तरह एक घंटे के लिए फ्रिज में। कसूरी मेथी, यस बहुत ज़्यादा है, और ये जाएगा कसूरी मेथी, कसूरी मेथी अगर आप रोस्ट करके डालें तो अच्छी बात, अगर विदाउट रोस्ट डालें तो भी हाथ पे लेके ना इस तरह से रब करके फिर आप इसमें डालें, ठीक है। ये चला गया इसके अंदर, और इसमें जाएगा हाफ टेबल हाफ लेमन जूस, ये मैंने हाफ लेमन लिया है, और इसका जूस जाएगा हाथों की हेल्प से मैं डाल दूंगी इसमें, और जो आने वाले थे वो आ गए, अभी आ रहे थे, ठीक है। और ये हो गया, और साथ साथ में अगर आप साथ में और भी साथ में प्याज बना रहे थे तो ये मेरा प्याज भी लाल हो रहा है थोड़ा सा, और यहाँ पे सारे मसाले मैंने डाल दिए। अब हम इसको अच्छी तरह से हाथों की हेल्प से इस तरह से करते हुए पूरा मैश करके मिक्स कर लेंगे, पूरा मैरिनेट कर लेंगे, और ये लगभग जाएगा फ्रिज की मैरिनेट करने के बाद ढक्कर मैं रखूंगी वापस उसी की, देखिए अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है, अब मैं इसको ढक के फ्रिज में रखूंगी एक घंटे के लिए, अब उसके बाद प्याज लाल होगा बंद में। यहाँ पे मैंने कढ़ाई बड़ी चढ़ा दी है, और इसमें मैंने तेल जो डाला है वो चार चम्मच बड़े चम्मच से डाल दिया है, अभी बिरयानी का बनने जा रहा है, इसमें कुछ खड़े मसाले भी जाएंगे, इसमें ये जाएंगे दालचीनी का एक टुकड़ा, और एक लौंग, और एक इलायची लौंग, मतलब एक लौंग इलायची नहीं, एक इलायची में डालूंगी वो लौंग डालूंगी, और जाएगा दो तेज पत्ता, तो तेल अभी गर्म हो रहा है, तेल को गर्म होने फिर चला गया इसके अंदर, ये फोनो नहीं आया था। यहाँ पर मैंने प्याज को डाल दिया है, और प्याज को अच्छा सा गोल्डन जो ब्राउन होता है वो कलर कर लेना है, बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन, और अभी जब बहुत छोड़ रहा है तो हम चाइनीज चावल को बॉयल करेंगे बिरयानी का कलर चावल के लिए, तो अभी अच्छे से तेल निकल भाई है, बड़े मैं थोड़ा सा लोकल हूँ, और ये ब्राउन हो गया है, तो यहाँ पे प्याज अच्छा ब्राउन हो रहा है, और यहाँ पर पतीले में पानी चढ़ा दिया है, ठीक है। और इसमें मैंने डाले दो तेज़ पत्ता, एक ऊपर इलायची का, और चक्री फूल दो डाल दूंगी, दो चक्री फूल डाल दिया, और
इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पुदीना की पत्ती, बॉइल करते टाइम ही जरा सा डाला है। क्या हुआ, क्या लेके घूम रहा? ये अभी बॉइल नहीं था और बॉइल आना शुरू होगा तब मैं नमक डालूंगी और मेरे पास रस जल्दी से बॉइल। यहाँ पे प्याज बिल्कुल अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है, बढ़िया से बॉइल ब्राउन हो चुका है। जब मैं जो मैरिनेट किया था मैंने चिकन को, वो मैं डालूंगी पूरा। लेकिन जब आप पूरा ड्रेन करके डालेंगे तो जो पानी जो नीचे मैरिनेशन के बाद में नीचे पानी बहुत रहता ना, हमें जो पानी पानी रहता है वो रहता है चिकन डालने के लिए पानी छोड़ता है। ये ना प्लेन अभी भाई ही है और हम इसको भूलेंगे फ्राई करेंगे। थोड़ा सा लो कर दीजिए और ये नहीं हो रही है पानी पानी रहा। चावल मैंने दो घंटे से भिगो के रख दिया था, ये भी बहुत जरूरी है यार बिरयानी बनाने के लिए चावल किसी जगह भिगा हुआ और आपने कौन सा चावल लिया है। मेरा खास बिरयानी वाला आता मैंने चावल लिया है और ये देखिए थोड़ा सा मसाला है इसको भी थोड़ा सा दूंगी हल्का सा, इसमें डाली ताकि जो नीचे चिकन लगे ना मतलब भिगक जाए ना। आराम आराम करके उठते हैं और नहाने जा रहे हैं और ये जान गया मेरे पास आके सारा पुदीना गिरा दिया है। मेरे हाथ लगी मिर्ची, थोड़ा सा पानी और डाल देंगे ताकि चलिए नहाने ये लगे ना और अच्छे से मसाला भून जाए। मैंने यहाँ जरा सा पानी डाला और अब इसकी भुनाई होगी, ऐसे ही खुला है इसकी भुनाई होगी अच्छी तरह से कलर देखे ना अभी इसको खा रहा है। अभी बेटे ने पुदीना सब्जी गिरा दिया, मैं खाऊँ वॉक करूँ तब तक आप ये भूल रहा है। तो यहाँ पे देखिए भुनाई की तेल छोड़ दिया है और बहुत ही बढ़िया बनाई है, कोई पानी अलग से नहीं डाला है। इसलिए मैंने फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया था, उसी पानी में जो मैंने इसमें धोके डाला था उसी से ये पूरा गल जाए। तो अभी मैं थोड़ा सा चेक करूँगी कितने कितना परसेंट बना है, अभी थोड़ा सा बाकी है थोड़ा सा और बुक होगा। फ्लेम बिल्कुल लो कर देना ताकि धीरे धीरे कुक हो जाए और इधर पानी बॉइल नहीं हुआ तो मैं ये पिज्जा इधर डालूँगी ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। ¿Vale? ¿Vale?
नहाना नहीं है क्या? नान वाला शॉप खुला होगा नान का गए थे देखने? नहीं नहीं वहां से खुल रहा है धीरे धीरे। नहीं यहाँ पे चावल मैंने सारी चीजें डाली, नमक नींबू चावल ये बोला और ये हमारा कंडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा अच्छे से कुक हुआ और तेल को अच्छे से इसमें पूरा छोड़ दिया था। आपका जो मसाला है बहुत अच्छे से भुन गया और देखिए तो ये अच्छे से कुक भी हो चुका है और आपको दिखाते हैं। ये देखिए बस अब ये तो डन हो चुका है। दो मिनट के मैं और इसको कुक करूँगी चिकन को और ये चावल बॉयल हो रहा है फुल फ्लेम पे। तो अभी मैंने बिरयानी का परत लगा दिया, मतलब नीचे पहले थोड़ा सा मैंने तीला डाला, फिर चावल, फिर गोश्त का, फिर चावल, फिर गोश्त का, फिर चावल और उसके ऊपर से ये देखिए मैंने डाला पहले पुदीने की पत्तियाँ, फिर सौंफ का पाउडर मैंने डाला, फिर जो है कि कलर मैंने डाला ये ब्लॉसम का केवड़ा जल में मिला करके मैंने वो डाला है और उसके बाद ये फ्राइड अनियंस डाले। अब मैं इसको ढक करके ढकने के बाद में अभी 10 से 10 मिनट तक के लिए छोड़ दूँगी दम पे, ठीक है। उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, अभी जाएंगे उसकी रोटी बनाने। तो दोस्त की रोटी के लिए यहाँ पे देखिए मैंने छोटे छोटे रोई और चकाए बना के रखे हैं, इसके आगे का प्रोसेस शुरू होता है तो चलिए वो देखते हैं। तो यहाँ पे अब प्रोसेस शुरू होता है, मैंने ये डाला था ब्लॉसम का चावल, मैंने पहले वीडियो में भी देखा, तो यहाँ पे तवा ने चढ़ा दिया और गैस ऑन करके इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दिया हमने, ठीक है। अब इसका जो दोस्त रोटी का प्रोसेस होता है जो मैं आपको बता दूँ, आपको एक चकवा लेना है इस तरह से उल्टे साइड जिधर से पकड़ाओ वो वाला साइड लेना है और उसके बाद से रिफाइंड ऑयल लेना है और इसके ऊपर से आपको बढ़िया से चारों तरफ लगाना है ऐसे और आपको दूसरा लेना है और जिधर ये चिपक रहा है उस तरह के साइड से आपको इस तरह से आटे में रखना है बिल्कुल ऐसे और इसको इससे दिख रहा है ऐसे फिर इसमें थोड़ा सा डिप करना है और इस तरह से चक्का करना है और फिर नॉर्मल जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं सेम ऐसे ही हमको रोटी बनानी है, ठीक है। ये इस तरह से मैं पूरी रोटी आपको बना के दिखाती हूँ। आपको नॉर्मल जैसे आप रोटी को बेलते हैं बस वैसे ही आपको रोटी को बेलना है और ये बहुत ही अच्छी लगती है रोटी क्योंकि लॉकडाउन से सब बंद है। ये बन गई, अब हम इसको तवे पे डालते हैं और सेकंड प्रोसेस भी सेम टू सेम इसी तरह से है। ये है कि आपको ये चीज़ ध्यान देना कि चारों तरफ और जो आप बना रहे तो बहुत ही अच्छे से लगना चाहिए तभी रोटी आपकी अच्छे से निकल पाएगी। एक आप देख रहे एक चक्के पे मैंने तेल लगाया तो दूसरे पे आटा, दोनों को चिपका देना है फिर उसके बाद डीप करना है पूरे आटे में और आपको थोड़ा सा चकवा बना के फिर नॉर्मल रोटी की तरह आपको बेल देना है, आपको बेलना है रोटी को बेल देना है इस तरह से। अभी ये पनीर बन रही है, अभी आप देखेंगे और एक बार बना के खाइए इसको। आप पनीर किसी भी रेसिपी के साथ, चिकन की किसी भी रेसिपी के साथ में खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जब आपको कोई बाहर नान वगैरह ना मिल रहा हो तो आप बढ़िया से इसको बनाइए और खाइए और इसको बहुत ज़्यादा नॉन वेडी तरह डॉट निकलना है, दोनों तरफ पलट पलट के आपको सीखना है, हल्का सीखना है, बहुत ज़्यादा कड़ा नहीं तो आप ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा कड़ा हो जाएगा तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। ये हो चुका है और मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से, हाँ ये इसको पटक के ये अलग और इसको आप ऐसे फोल्ड करके रखना है, फोल्ड करके या फिर आप वैसे रख सकते हैं। तो ये बनती है दोस्ती रोटी और बस अभी ऐसे सारी रोटी मैं बनाऊंगी और शाम हो गई, शाम के रात हो गई, 8 बज रहे हैं रात के और सब लोग जा चुके हैं, काफ़ी टाइम पहले ही चले गए थे और मैं शूट नहीं किया क्योंकि टाइम भी नहीं मिला था। मैंने पहले बताया था पहले मैं पूछ लूँगी तो वो चीज़ें सही नहीं हुई, थोड़ा तो इसलिए नहीं किया तो कोई बात नहीं और सब बहुत अच्छे से हुआ, सब चीज़ें अच्छे, सब लोग खुश हैं, बहुत खुश हैं माशाल्लाह से। और रेसिपीज जो मैंने बताई उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आएगी आपके भी घर में। और बस आज का दिन हो गया खत्म तो अब ये ब्लॉग में यही प्लान करती हूँ और फिर से मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, नई रेसिपी के साथ। तो और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ अगर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते वो भी आईडी आपको मिल जाएगी और मौज में नहीं फॉलो करते वहाँ भी आईडी मिल जाएगी। बस सब अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।